गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। चिल्ड्रंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको देखकर हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। आपको राइट एंगल एट बी दे रखा है। सबसे पहला काम, एक ट्राइंगल बना लेंगे ए बी सी। बी पे राइट एंगल है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। सबसे पहला काम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आप ए सी को निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ए बी आपका कितना है? ए बी आपका 24, 24 स्क्वायर प्लस BC आपका 7 का स्क्वायर है और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 का होल स्क्वायर प्लस 49, 576 हो जाएगा और ये आपका 49 हो जाएगा, यानी कि 625। AC आपका निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकाल लेंगे। 25 यहां तक आप पे आता है। अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट इसका, साइन ए कोस ए। अब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। जब हम एंगल ए की बात करेंगे इस एंगल की, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपका बेस हो जाएगा। साइन ए, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। बीसी आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 और एसी आपका कितना आ गया? 25। साइन ए हो गया। उसके बाद करते हैं बात कोस ए। कोस ए, कोस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस आपका एबी अपॉन एसी, AB अपॉन AC। AB आपका 24 हो गया, 24 अपॉन 25। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन C कोस C, साइन C कोस C। अब वो एंगल C की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो अब जब हम C की बात करेंगे तो C के सामने वाली साइड, इसके सामने वाली ये साइड, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपकी बेस हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये आपकी बेस हो जाएगी। साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, यानी कि 24 अपॉन 25। ये आपका साइन C हो गया। इसी तरह से हम cos C निकाल लेंगे। cos C इक्वल टू बेस, बेस यानी कि BC अपॉन AC, BC आपका 7 अपॉन 25। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 8.13 आपको फिगर दे रखी है, हम इसे बना लेते हैं फिगर। ये आर, ये बी और ये क्यू। ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहला काम, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम क्यू आर को निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू
स्क्वायर, पी आर आपका 13 है, ये आपका 12 है, 169 25, यानी कि क्यू आर आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। इसे आप निकाल सकते हैं बड़े आसान से। उसके बाद आपको निकालना है टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी, टेन का मतलब इस फॉर्मूले को आप याद रखना, साइकोटा इक्वल टू पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, यानी टेन, टेन की बात कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, पी के लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, जो कितना आया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका कितना है 12, यानी पी क्यू। पहले से लिख लेते हैं क्यू आर माइनस अपॉन पी क्यू माइनस कोट आर, आर की बात कर रहे हैं, कोट टेन का उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका आर के लिए, अब आर की बात कर रहे हैं तो आर के लिए बेस ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा यानी क्यू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए चाहे तो आप इसमें वैल्यू पुट अप कर लीजिए, वरना आप इसको यही काट देंगे तो भी आपका जीरो आ जाएगा, इससे से काट देंगे तो आपका जीरो आ जाएगा, आपको वैल्यू की भी जरूरत नहीं है। अब वैल्यू अगर पुट अप करना चाहेंगे तो क्यू आर कितना है आपका 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थोड़ा मैं जल्दी में करूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे मैसेज करके मुझसे इसका सोल्यूशन दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन में काफी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड है मेरी। अगर आपको लगता है स्पीड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं अपनी स्पीड को घटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, आपको निकालना है कोस ए और टेन ए, आपको निकालना है कोस ए और टेन ए। सबसे पहला काम एक ट्राइंगल बनाइए, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया ए राइट एंगल बी सी। साइन ए, साइन ए का मतलब होता है वही साइकोटा इक्वल टू पाकिस्तान, या आप याद रखेंगे, अगर आप जब तक याद नहीं रहेगा तब आप इसको लिखते रहते हैं। साइन ए, साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा एसी। अब ये रेशियो में है इसलिए हम डायरेक्ट बीसी को 3 नहीं मान सकते और एसी को 4 नहीं मान सकते, हम इसलिए हम बीसी को 3 के मान लेते हैं। लेट बीसी इक्वल टू 3 के और एसी इक्वल टू 4 के। अब आपको ए भी निकालना है, बीसी आपका 3 के हो गया और ये आपका 4 के हो गया, आपको ए भी निकालना है। टेन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, एसी आपका 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ये आपका 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर यानी कि 7 के स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा √7 के, ये आपका ए भी आ गया। उसके बाद हमें वैल्यू क्या क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कोस ए और टेन ए, एक तो कोस ए निकालनी है हमें और एक हमें टेन ए निकालनी है। कोस ए, ए के लिए परपेंडिकुलर है ये तो आपको पता चलेगा, ये √7 के हम लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, कोस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितनी है √7 के और ए सी कितनी है 4 के, इससे कर जाएगा √7 अपॉन 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह टेन ए, टेन ए के लिए क्या है परपेंडिकुलर,
अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका बीसी है अपॉन बेस क्या है आपका एबी, बीसी अपॉन एबी, बीसी कितना है आपका 3k और एबी आपका कितना है रूट सेवन के, के से के कट जाएगा, 3/√7 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चिल्ड्रंस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको दिया हुआ है 15 cot A = 8। आपको फाइंड आउट करना है साइन ए और सेक ए, आपको निकालना है साइन ए और निकालना है सेक ए, ये आपको निकालना है। सबसे पहले कोट ए इक्वल टू 8/15, ये 15 इधर चला जाएगा। उसके बाद एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये ए ये बी ये सी, कोट ए, कोट ए का मतलब वही साइन कोटा इक्वल टू BC = 15 के। अब आपको निकालना है AC, AC इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप इसको सोल्व कर लेंगे, ये आपका 64K स्क्वायर आ जाएगा, ये 225K स्क्वायर आ जाएगा, ये 96 ये 549 628 289 आ गया, और ये किसका होगा ये आपका 17K हो गया, एसी आपका निकल के 17K आ गया 17K। अब आपको साइन ए निकालना है, साइन ए, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए बी, बीसी आपका कितना है बीसी आपका 15K और ये आपका 17K, के से के कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 15/17। उसके बाद दूसरा निकालना है आपको सेक ए, सेक ए का मतलब ये इसका उल्टा, कोस का उल्टा होगा, कोस का उल्टा बेस, कोस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि एसी अपॉन एबी, एसी अपॉन एबी, एसी आपका 17K होगा और एबी आपका 8K होगा, इससे कट जाएगा 17/8 आपका ये निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया। अगर इसके बाद भी आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, केवल मैसेज कॉल नहीं करेंगे, केवल मैसेज, मैं आपको सॉल्यूशन इसका दोबारा से बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है sec theta = 13/12, k
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बहुत आसान है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 आपने किया होगा बिल्कुल सेम उसके जैसा ही। आपको एक रेशियो दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और आपको इसके बाद कुल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आपको बाकी निकालने हैं। क्या क्या निकालना है हमें? साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है। साइन का उल्टा हमारा कोसेक थीटा होता है, कोस का आपका सेक थीटा होता है। ये आपको दिया हुआ है कितना 13/12, और उसके बाद टेन का उल्टा कोट थीटा होता है, ये आपको निकालना है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगा, थोड़ा कराऊंगा, फिर आप अपने आप इसे कर लेंगे। ये ए, ये बी, ये सी, ये थीटा एंगल आपको दिया हुआ है, यानी थीटा एंगल दिया है तो इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हुई, ये आपकी बेस हुई, ये आपकी हाइपोटेनस हुई। साइन थीटा, ये सेक थीटा है, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये आपको 13 दी हुई है एसी, और बेस आपका बीसी, एसी अपॉन बीसी। आपको सबसे पहले ए बी निकालना है, पाई जनरल थ्योरम से आप निकाल लेंगे, एंड ट्राइंगल ए बी सी आपको निकालना है, ए बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये आपका निकल के आ जाएगा ए बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 5k, ए बी आपका निकल के 5k आ जाएगा जब आप सोल्व करेंगे। अब साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी, ए बी आपका 5k आ गया और ए सी आपका 13k, यानी 5/13। इस तरह से आप सारे रेशो निकाल सकते हैं। चिल्ड्रंस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।